हाय फ्रेंड्स, तो आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.2 आप लोगों को बताया था पिछला क्लास में, उसका एक का दो तक बताया था, उससे पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आप लोगों को उससे आगे बताएंगे, ठीक। तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बुक रख लीजिए आगे में, तो क्या होगा समझने में आसान होगा। 8.2 इसका क्या बताएंगे, एक का दो तक हो गया था, थ्री नंबर चल रहा क्या है, देखिए कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपका। इसको हम सॉल्व करते हैं, पूरा चार्ट एक जगह देख लीजिए, जैसे पिछला क्लास में बताए थे, याद करने का टेक्निक बताए थे। तो कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, सेक 30 का 2/√3, 2/√3, कोसेक 30 का, साइन किसका 1/2, तो कोसेक उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला कोई 1/√2 लिखे, अब ये किसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो √3 और एक का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम √3 होगा, 2+√3 ये हो गया 1/√2। अब ये पता है ये डिवाइड में है, गुणा करेंगे ऊपर और नीचे वाला ऊपर जाएगा √3, नीचे क्या बचेगा 2+√3। अब √3 इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे एक से, √3 हो गया। अब क्या बचेगा, √2 × 2+√3। अब इससे आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है √3, अब इसको गुणा करते हैं, 2 × √2 अलग अलग है, रूट अलग है, 2 अलग है, तो अलग अलग रहेगा, तो क्या उसे ही छोड़ देंगे, अगर सेम चीज रहता है 2 2, तो गुना हो जाता है, 2 × √2 क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस। अब चलिए इसको इससे करेंगे गुना, तो 2 अलग है, √√ वाला एक है, एक जगह होगा, 3 × 6, तो क्या हो जाएगा 2+√6। ये आपको समझा दिए हम, अब आगे क्या करेंगे, देखिए √3 √2+√6 परिमेयकरण करेंगे, इसको इंग्लिश में रेशनलाइज बोलते हैं हम लोग। तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, देखिए 2√2 + + है तो क्या कर देंगे, खाली यहाँ साइन बदलेगा, क्या हो जाएगा 2√6, फिर 2√2 − 2√6, ये कट भी जाएगा, इतना ही होगा, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, यहाँ तक आइए समझ में। अब क्या है √3 √2 − √6 गुणा कर दिए। अब देखिए a+b a − b, ये किसका फॉर्मूला है, a² − b² का, तो अब क्या हो जाएगा, 2 दोनों में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, या दूसरा नियम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को गुना कर सकते हैं। ऐसा करते हैं ना, 2 को बाहर कर देते हैं, 2√3, जब 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, √2, फिर अंदर क्या बचा, −√6, 2 × 4 × 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 = 24 होगा, 2√3 √2 − √6 घट के कितना हो जाएगा, −16, 2 × 8 = 16 हुआ। अब देखिए क्या बचा, −√3 √2 − √6 बट्टे माइनस नीचे वाला क्या किए हम, ऊपर लेके चल गए। अब क्या करते हैं, देखिए 3 × −√6 और 6 − √6 + 6 √18 − + 18 = 8 अब क्या लिख सकते हैं, −√6 √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 कैसे होगा, देखिए √18 है ना, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो इसको कैसे लेंगे,
यहाँ रफ ले लीजिए 2 9 18 3 3 9, तो इसमें क्या क्या 2 × 3 × 3 ये होगा ना एलसीएम 18 का 3 जोड़ा बाहर होता है, अंदर क्या बच गया रूट टू, या 3√2 लिखिए बाय 8। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, प्लस वाला को ये लिख सकते हैं 3√2 −√6/8, ये आपका आंसर हो गया। ये समझाने के लिए बस, समझ में आ गया ये वाला आपको। अगला नंबर क्या है देखिए, 4 नंबर होगा sin 30° + tan 45° − cosec 60°, sec 30° + cos 60° cot 45°। चलिए 37 का मान 1/2, 45 का मान 1, cosec 60 मतलब पहले ये जानना है cos 60 का, नहीं sin 60 का मान √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3, उल्टा होता है sec 30 का मान 2/√3 होता है। उसके बाद cos 60 का मान 1/2, 45 का मान 1। आप इसके ऊपर पहले देखना है हम लोग को क्या कर देंगे, लघु एलसीएम ले लेंगे 2, इसके नीचे पूछेंगे तो 1 है 2 × √3, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 होगा। ऊपर देखना है 2√3 होगा, 2 क्या हो गया, 2 कट गया तो क्या बचा, 1 से मल्टीप्लाई करके √3 हो गया, प्लस 1 से पूरा गुणा कीजिए 2√3, √3 क्या कट गया 2 × 4 माइनस होगा ना, √3 कट गया तो 2 बचा, 2 यहां 2 × 2 = 4। अब इससे ऊपर से नीचे देखना, यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम हुआ, √3 कट गया, नीचे वाला देख रहे हैं तो 2 × 2 = 4 हो गया, प्लस 2 कट गया क्या हुआ √3, फिर प्लस 2√3। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, √3 + 2√3 − 4 √3, ये मेरा क्या है भागा में है, बट्टे में है, डिवाइड में, उल्टेगा गुणा करेंगे तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, 4 + √3 + 2√3, ये कट जाएगा, क्या बच गया √3 √3। देखिए समझने वाला बात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ √3 √3 तो एक ग्रुप का है √3 √3, यहाँ 2 और 1 यहाँ छिपा हुआ है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3√3 नहीं होगा, तो यहाँ एक छिपा हुआ है तो लिखा नहीं होता, 2 और 1 3 √3 वाला 3√3 है −4। नीचे में लिखिए क्या होगा 3√3 है, 2 और 1 यहाँ छिपा है, क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में पकड़े रूट वाला लिख दिए, प्लस में उधर डाल दिए। अब क्या करेंगे 3√3 − 4, 3√3 + 4, आप रेशनलाइज कीजिए, ऊपर जाएगा तो यहाँ साइन बदलेगा सिर्फ 3√3 − 4, 3√3 − 4, 3√3 − 4 2 बार है तो 3√3 − 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे में a + b − b का होल स्क्वायर, तो a² − b² a + b − b² क्या होगा a² + b² − 2ab, नीचे में 3 × 9 = 27, 4 × 16। अब यहाँ देखना है, देख रहे हैं 3 × 9 = 27, 4 × 16 माइनस 3 × 9 = 6, 6 × 24√3, 27 में 16 = 11। अब क्या करेंगे देखिए, 27 16 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 43 − 24√3/11, ये आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे किए हैं हम, कुछ नहीं है। देखिए इसका आंसर आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे
तो नंबर पूरा में ये एग्जाम में जब भी आएगा था कुछ 2-2 मार्क्स में आएगा या एमसीक्यू में आएगा, तो उतना लंबा बना नहीं, हम समझाने के लिए बना दिए आंसर इतना है, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ देंगे नंबर मिलेगा। तो कंसेप्ट आ गया समझ में, अब अगला बता। पांच नंबर देखिए, एक का पांच नंबर लास्ट है, एक नंबर का क्या है, 5 cos² 60° + 4 sec² 30° - 10² 45 अब उसके बाद क्या है, 7² 30° + 4 square 30। यहाँ तक हो गया। तो 5 कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, इनटू छिपा हुआ रहता है कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर वैल्यू होता है। 4 सेक का मान 2/√3 का स्क्वायर है, 10 का मान 1 का स्क्वायर कर दिए, समझ में आ गया। 37 का मान 1/2 स्क्वायर डाल दिए, कॉस 30 का मान 3/√2 स्क्वायर डाल दिए, कॉस ही है ना, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, 5 × 1 / 2 = 4 + 4 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट कटेगा 3 बचेगा - 1 1 का 1 / 4 + √3 क्या हुआ 3 और 2 का स्क्वायर 4। और देखिए 5 × 1 5 / 4 + 4 = 16/3 - 1 नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 4 × 4 = 4 और 1 + 3। अब यहाँ देखना है 4 3 ये चीज में एक छिपा हुआ है, 4 3 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, क्या होता है 12, 4 3 12 5 3 15 3 4 12 16 64 - 12 एलसीएम लिए, नीचे में क्या होगा 3 1 4/4 क्या हो गया, कट गया ना, ऊपर में अब देखिए क्या बच गया, 15 64 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 1 7 / 12/12 ये तो कट गया, कुछ नहीं बचा तो नहीं लिखना है, इसमें 12 गया कितना, 9 में 2 गया 7 6 में गया 7 67/12 यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया डाउट, आगे देखिए। अब 2 नंबर का देखना है, 1 नंबर करा है, ऑप्शन दिया हुआ चुनना है, तो क्या है, 1 नंबर 2 tan 30° 1 + tan² 30° इसको करते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ मिल जाएगा, 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 1 + tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर करते हैं, 2 × 1 2/√3 1 + 1 √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 2/√3। अब यहाँ देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3 3 × 1 3 + 1 क्या हो गया 2/√3 3 1 4/3 2/√3 गुना करेंगे, ये भागा में ना, तो √3 3 कहाँ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 2 × 2 = 4 ऊपर क्या हो जाएगा 3 2√3 इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज क्या करेंगे, 2√3 ऊपर में भी करेंगे, 2√3 माइनस ऊपर में यहाँ भी करेंगे, तो क्या बच गया 3 × 6√3 नीचे में √3 √3 एक जाती है तो 1 3 होगा ना, √3 2 1 3 2 × 2 = 4 4 × 12 6 × 12 तो √3/2 √3/2 किसका मान होता है, क्या निकला √3/2 √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का, तो यहाँ इसके लिए क्या ले देंगे sin 60, यही ऑप्शन में आपको मिल गया, ये समझ में आ गया। तो यहीं तक हम अब रहने देते हैं, ठीक है, इसके बाद बचा है सवाल, उसको बताए अगला टॉपिक में थ्योरी बताएंगे, ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।